कहेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, आपको बता दें हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बड़ी कार्रवाई। जी हां, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान। जी हां, यह अभियान चलाया गया, पूरी रात ये चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, रात 8 से सुबह 4 बजे तक यह अभियान चला है, चेकिंग की गई है, 35 डंपर को इंपाउंड भी किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई करी, 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तक कई अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा में नहीं चलेगा अवैध खनन, मूलचंद शर्मा काफी इसको लेकर सख्त हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बड़ी कार्रवाई। जी हां, अवैध खनन ओवरलोडिंग के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। अक्सर अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतें जिस तरीके से मिल रही थी, उस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा काफी सख्त हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ, आपको बता दें, अभियान जो है वो चलाया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया, 35 डंपर को इंपाउंड किया गया है, करीब 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें आपको ये इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर, मूलचंद शर्मा के साथ कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में नहीं चलेगा अवैध खनन। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है, आपको बता दें, अवैध खनन और ओवरलोडिंग जिस तरीके से इसकी शिकायतें आ रही थी, उसके बाद अब काफी एक्शन मोड में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, और पूरी रात ये चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया। कई अधिकारी जो थे वो भी उनके साथ मौजूद रहे। रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अभियान चलाया गया। गजेंद्र राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गजेंद्र, फिलहाल ये बड़ा अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया गया है और काफी सख्त यहाँ पर दिखे हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार ही जो अवैध मामले उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देर शाम को सबसे पहले यमुना देखी की खनन पर कार्रवाई की और वहां पर पहले अधिकारियों को लताड़ा, जो ट्रक ड्राइवर थे और उनके कई ट्रकों को इंबाउंड किया। उसके बाद रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी रात पर उनका जो अभियान था वो नू, ताबड़ू और मेवात और फरीदाबाद के जितने भी अरावली क्षेत्र है सब पर चला, और जहाँ पर 35 से ज्यादा जो डंपर है उनको इंबाउंड कर लिया गया है, और साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। और साथ जिसमें जितने भी अधिकारी वहां पर जो मौके पर सम्मिलित थे और जिनकी ड्यूटी वहां पर बनती है उनको भी जमकर उन्होंने लताड़ लगाई है, और साथ ही उनको एक नोटिस भी जारी करने की बात की जा रही है कि उनकी ड्यूटी बनती है कि इतना अवैध कार्य उनकी देखरेख में या फिर उनके वहाँ कार्रवाई हो, उनके मौजूद होने के बावजूद भी वहां पर इतना अवैध खनन क्यों चल रहा था। इसको लेकर लगातार आज भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार 1 से 2 दिन अभी और भी यहाँ पर अभियान चलने की आशंका दिखाई जा रही है। गजेंद्र, हालांकि ये सख्ती जो है वो यहाँ पर दिखाई जरूर गई है, लेकिन ये सख्ती कब तक जारी रहती है ये भी काफी ज्यादा सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि एक या दो बार कार्रवाई कर लेने से अभी तो फिलहाल रुक जाएगा ओवरलोडिंग और अवैध खनन, लेकिन आगे भी इस पर काम यहाँ पर किया जाए वो भी इसी सख्ती के साथ। जी बिल्कुल, मूलचंद शर्मा ने इसके लिए जो सभी जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो वन विभाग के हों, खनन विभाग के हों या फिर आईटी डिपार्टमेंट के, सभी जो अधिकारी है उनको देर रात को पूरी रात में सारे अधिकारी मंत्री के साथ थे, और साथ में उन्होंने उसी दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहनी चाहिए, और जितने भी अवैध खनन माफिया है और जो अवैध डंपर चल रहे हैं वो लोडिंग का काम जो चल रहा है उसको अब सख्ती से बंद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सरकार का भी सख्त है, खुद जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं वो इसके खिलाफ है, और उन्होंने कहा है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग जो जिस तरीके से धड़ल्ले से चला आ रहा था, इसकी शिकायतें मिल रही थी, अब वो नहीं चलने वाला, क्योंकि वो इसके काफी ज्यादा खिलाफ है। और इसी के चलते आपको बता दें, देर रात तक ये अभियान जो है वो उनकी देखरेख में चलाया गया, और बता दें कि करीब 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, कई गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया गया।